टीएमबी न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल नायटने खजानी मारे संग किसिंग संग टाखक संग बखक संग जतन नो लाम सगो तीनी ककटुमा ककटुमा अंखा तीनी 7 तारीख जून 2023 सालमारी टोटल 56 ऑर्गेनाइजेशन नी पार्टिसिपेशन नो कैसा सिट इन डेमोन्स्ट्रेशन खाजाका रोमान स्क्रिप्ट फॉर कॉक ब्रॉक गई खाजानी मारे सों किचिंग सों तीनी ओ पांडव बरम गनांगज हबा देवर्मा कॉक नारकमानी फाइडी खनाइनाइलेनाय बोटा मोसानानी नायखा बिनी खानी कॉक ताई तिब्रासारकनी ऑलराउंड डेवलपमेंट नि बागै रोमान स्क्रिप्ट फॉर कॉक ब्रॉक बुसुक जराते नांगमानी व टाम सानानी नाइचा जो सिटिंग डेमोंस्ट्रेशन हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया जहां पर 56 ऑर्गेनाइजेशंस गैदर हुए हैं हम लोगों का बस एक ही डिमांड है वो है हम लोगों के लैंग्वेज को प्रिजर्व करने के लिए जो स्क्रिप्ट होना चाहिए उसे रोमान स्क्रिप्ट किसी भी हाल पर होना चाहिए क्योंकि हमारे लैंग्वेज को प्रिजर्व हमारे लैंग्वेज को प्रॉपर लैंग्वेज के प्रॉपर स्पिरिट में ले जाने के लिए जो स्क्रिप्ट की हम लोग को जरूरत है वो सिर्फ रोमान स्क्रिप्ट है और गवर्नमेंट जो बंगाली स्क्रिप्ट या फिर देवनागरी स्क्रिप्ट हम लोगों के ऊपर थोपने जा रहे हैं वो कम्प्लीटली आर्बिट्ररी है हम लोगों की चॉइस के खिलाफ है हम लोगों का लैंग्वेज है तो हम लोगों का राइट्स होना चाहिए कौन सा स्क्रिप्ट हम लोग के लैंग्वेज के लिए चाहिए और कौन सा नहीं अगर गवर्नमेंट को पता है तीन कमीशन गठन किया गया था हम लोग के लैंग्वेज के लिए तीन कमीशन में ही 90% से भी अबव आया रोमान स्क्रिप्ट के सपोर्ट में फिर भी मिस्टीरियसली उन रिजल्ट के साथ कंप्लाई किए बिना गवर्नमेंट अभी फिलहाल जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट ले रहे हैं वो कम्प्लीटली आर्बिट्ररी है वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट एनी मोर We are not going to accept it at any cost. हम लोगों के लैंग्वेज को प्रिजर्व करने के लिए हम लोगों को रोमान स्क्रिप्ट चाहिए अगर हम लोगों के डिमांड को नज़रअंदाज किया गया तो हिस्ट्री विटनेस है लैंग्वेज के बेसिस पे काउंट्री गठन हुआ लैंग्वेज के बेसिस पे बहुत सारे जगह पर बहुत सारा बड़ा बड़ा आंदोलन हुआ हम लोग भी वो आंदोलन करेंगे हम लोग और टॉलरेट नहीं करेंगे क्योंकि लैंग्वेज एक लैंग्वेज ही बचा है फिलहाल हम लोगों के पास हम लोग की मिट्टी में हम लोग को खुद के लैंग्वेज खुद के मातृभाषा के लिए अभी यहाँ पर बैठकर दोपहर में बैठकर धूप में बहुत सारे बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं बहुत सारे बड़े बड़े लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं क्यों मजाक है क्या ये हम लोगों के स्टेट में ही हम लोगों के पास कुछ भी नहीं बचा थी अभी जो एक चीज बचा है जो हमें त्रिपुरा से कनेक्ट करता है वो है हमारा लैंग्वेज अगर हम लोग के लैंग्वेज को छीना गया तो हम लोग इससे किसी भी हाल में सहन नहीं करेंगे थैंक यू